हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने ग्रामर पर और भी वीडियो अपलोड करके रखी हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वेयर टू यूज़ दिस ऑक्सिलरी वर्ब्स। अ वर्ब विच हेल्प्स अनदर वर्ब विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स टेंस वॉइस और स्पेसिफिक मीनिंग इज नोन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब जो एक दूसरे वर्ब को हेल्प करता है उसकी मीनिंग कंप्लीट करने में या टेंस कंप्लीट करने में इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ एन ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकेंड इज मोडल ऑक्सिलरी। तो पहले देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू। टू बी वो होते हैं जिसमें आता है एम, इज, आर, वॉज, वर, शाल, विल, बींग एंड बीन। दीज ऑल वर्ड्स आर नोन एज टू बी वर्ड्स। तो इन सबको जब आता है तो इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और इनके फंक्शन क्या होते हैं? टू बी वर्ब्स हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूस टेंस और पैसिव वॉइस। जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं या फिर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं तो हम लोग टू बी वर्ड्स यूज़ करते हैं। नाउ टू हैव कौन से होते हैं? हैव, हैज, हैड, सब हैव वाले, मतलब एच वाले, हैज, हैव, हैड वाले, उसको बोलते हैं टू हैव वर्ड्स। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं? फंक्शन क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस। जब हम लोग को परफेक्ट टेंस बनाना रहता है तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव। टू डू मतलब सारे डी वाले, डू, डज, डिड। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेशन एंड नेगेशन, एम्फेसिस, रिक्वेस्ट और इन्विटेशन। नाउ जब हम लोग को इंटरोगेशन बनाना होता है, नेगेशन मीन्स नेगेशन मतलब नेगेटिव में बनाना रहता है, रिक्वेस्ट करना रहता है, इन्विटेशन रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं? टू डू वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, विच इज़ अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। दे आर enjoying themselves इन द स्विमिंग पूल। कंटिन्यूस टेंस है और आर यूज़ किया है, विच इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। द कार वॉज बींग प्रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। नाउ पैसिव वॉइस बन रहा है, इस तरह भी हम लोगों ने वॉज यूज़ किया है। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, परफेक्ट टेंस यूज़ किया है और हैज़ है, हैज़ मतलब टू हैव वाले वर्ड्स। डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और डी वाले, टू डू वाले वर्ब यूज़ किए हैं, विच इज़ अ प्राइमरी ऑक्सिलरी। वी डिड चेक ऑल द बैग्स, एम्फेसिस बता रहे हैं तो डिड आया। डू कम विद मी टू द पार्टी, रिक्वेस्ट बोल रहा है कि डू कम विद मी टू द पार्टी, तो डू आया। नाउ मोडल ऑक्सिलरी। व्हाट इज मोडल ऑक्सिलरी? सेकेंड फॉर्म और सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी इज मोडल ऑक्सिलरी। अ मोडल ऑक्सिलरी इज यूज टू इंडिकेट मोडालिटी और मूड। मतलब कि मोडल ऑक्सिलरी जो रहता है वो मूड को इंडिकेट करता है। अब जैसे कि लाइकलीहुड, एबिलिटी किसी चीज़ की, किसी चीज़ की परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, हमारी कैपेसिटी बतानी हो, सजेशन हो, ऑर्डर हो, ऑब्लिगेशन हो, या फिर एडवाइस देनी हो, तो इन सब चीज़ों को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मॉडल्स ऑलवेज कंपेनाइ द बेस फॉर्म ऑफ अनदर वर्ब आल्सो कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। मतलब कि मॉडल के साथ बेयर इन्फिनिटिव भी कभी कभी यूज होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट, मे आई यूज़ योर पेन प्लीज। इधर हम लोगों ने क्या किया? यू शुड विजिट दिस, दैट इज़ अ सजेशन। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज, दैट इज़ अ ऑर्डर। दे मस्ट कम टुमारो, या हम लोग कैपेसिटी और परमिशन और एबिलिटी बता रहे हैं। नाउ मॉडल ऑक्सिलरी कौन से होते हैं? पहले हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी देखे थे कि कौन कौन से होते हैं, अब मॉडल ऑक्सिलरी कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शाल, विल, वुड, मस्ट और डेयर। तो फंक्शन क्या है? इन सबको बोलते हैं, जो वर्ड्स हैं इन सबको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। वो अब ये वर्ड्स होते कहाँ यूज़ हैं? तो कैन यूज़ होता है एबिलिटी बताने में, इनफॉर्मल परमिशन बताने में, और पॉसिबिलिटी बताने में। इनफॉर्मल परमिशन मीन्स, इनफॉर्मल मीन्स जिनको हम लोग जानते हैं, फॉर्मल मीन्स जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। तो इनफॉर्मल मतलब जिसको हम जानते हैं उनसे परमिशन। कुड कहाँ पे होता है? एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी में। फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं, एज टीचर्स, प्रिंसिपल्स और प्रेजिडेंट और लाइक दिस पर्सन्स। पॉसिबिलिटी और एक्सप्रेशन ऑफ अ विश, जब हम लोग को विश रहती है कोई सी।
माइट कहाँ यूज होता है? फॉर्मर परमिशन में और पॉसिबिलिटी में. शाल कहाँ पे होता है? फ्यूचर एक्शन, कमांड, कंपल्शन, फॉर्मल रिक्वेस्ट में. विल कहाँ यूज होता है? फ्यूचर एक्शन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन एंड विश में. शुड ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में, एडवाइस में, कंडीशन में या अप्रूवल में. वुड कहाँ पे? हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो हमारी हैबिट है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट में जब हम करते हैं, विश करते हैं, या फिर किसी चीज़ का रिफ्यूजल रहता है, या तो डिटर्मिनेशन रहता है. मस्ट कहाँ यूज़ होता है? कंपल्शन में, डिटर्मिनेशन में, या फिर हमारा ड्यूटी या ऑब्लिगेशन में. ऑट कहाँ यूज़ होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन में, या फिर हमको कोई एडवाइस करनी रहती है तो ऑट यूज़ करते हैं. डेयर कब यूज़ होता है? जब हम लोग को अपनी करेज बतानी रहती है, जैसे हम बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू, तो वो करेज पूछते हैं. नीड कब यूज़ होता है? जब हम लोग की किसी चीज़ की नेसेसिटी रहती है. तो दीज आर ऑल कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑयल के फंक्शन हैं. ये सब कब कहाँ पे क्या यूज़ होता है, सो दीज ऑल आर नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. एंड द लास्ट वन इज हैव टू. हैव टू कब होता है? कंपल्सरी ऑब्लिगेशन बताने में. सो सारे ये थे मॉडल ऑक्सिलरी. नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स. आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट रूम. नाउ इधर एबिलिटी बताइए. आई कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, और एबिलिटी बताइए कि मैं क्वाइट रूम में पढ़ सकता हूँ. मार्क वुड गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग. हैबिचुअल एक्शन है कि वो हमेशा जॉगिंग जाता है. वुड यूज़ किया है. इट माइट रेन दिस इवनिंग. प्रोबेबिलिटी है कि हो सकती है रेन, तो माइट यूज़ किया. ही डेयर टू स्विम अगेंस्ट द करेंट. नाउ करेज बताइए. डेयर यूज़ किया. यू मे एंटर द क्लास. परमिशन ग्रांट की है तो मे. शाल आई गेट यू अ सैंडविच. फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो शाल यूज़ किया. यू मस्ट रिमेन सीटेड ऑलवेज. कंपल्शन बताया है, मस्ट यूज़ किया है. सो दीज ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरी. सो ऑक्सिलरी के दो फॉर्म थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसके कौन कौन से थे वो मैंने बताए, और मॉडल ऑक्सिलरी उसके कौन कौन से वो मैंने बताए. नाउ हियर इज द एक्सरसाइज विच यू हैव टू सॉल्व एंड राइट द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन. जैसे कि देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड ऑफ माइल्स अवे. इधर माइट यूज़ किया है, विच इज़ पॉसिबिलिटी. ऐसे आपको सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.